बंगाल में हिंदुओं की हत्या से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद ने आज झांसी जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग तथा NRC लागू किए जाने की मांग की। बंगाल सरकार के खिलाफ देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने देश के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। 10 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बंधु प्रकाश पाल और उनकी गर्भवती पत्नी व 8 वर्षीय बच्चे की जघन्य हत्या कर दी गई थी। ज्ञापन में ममता बनर्जी सरकार को तुरंत बर्खास्त किए जाने की मांग की गई। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में NCR लागू किए जाने और मुस्लिम घुसपैठियों को वापस बंगाल भेजे जाने तथा नागरिकता बिल में संशोधन करने की मांग भी उठाई गई। पिछले मंगलवार को पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बंधु प्रकाश पाल, उनकी गर्भवती पत्नी ब्यूटी पाल, 1-8 साल के बच्चे को इन वामपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा रात्रि में धारदार हथियार के द्वारा उनकी हत्या की गई। इसके विरोध में हिंदू समाज पर जो जुल्म और जास्ती पूरे देश में हो रही है, इसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा पूरे देश में प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये धरने का 2 घंटे का हमारा कार्यक्रम है कि इस देश में रहकर हिंदुओं की रक्षा करना हमारे संगठन का काम है। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।